हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल राहुल पेट्स में। तो आज हम आपके लिए एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम पेट्स से रिलेटेड जो है वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम अपने सारे पेट्स को आपको दिखाएंगे, उनसे इंट्रोड्यूस कराएंगे और अपने केनल को दिखाएंगे। और इसमें जो है हम सारी चीज़ें कुछ अपने पेट से रिलेटेड उनके डेली रूटीन के बारे में भी आपको हम शेयर करेंगे, वीडियो में बताएंगे कि हम उन्हें क्या खिलाते हैं, कैसे टहलाते हैं, ये सारी चीज़ें हम वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने पेट्स की तरफ और आपको वीडियो में हम सारी चीज़ें एक एक करके बताते हैं। अभी शाम तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये साइबेरियन हस्की ब्रीड है जो कि ये माइनस टेम्परेचर ठंडे इलाकों की ब्रीड है। ये बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं, ये भेड़िए की जो है नस्ल में आते हैं और ये काफ़ी पोलाइट और फैमिलियर डॉग ब्रीड है जो कि देखने में तो काफ़ी ही क्यूट लगता है, एकदम टेडी बियर की तरह। इसकी आइज़ जो है, इसमें ब्लू आइज़ आपको देखने को मिलती है हस्की में, जो कि काफ़ी जो है डिमांड रहती है इसकी। आप देख पा रहे होंगे और क्यूटनेस देख पा रहे होंगे। बीहैव तो इतना प्यारा है कि अगर घर में आप रखते हैं तो एकदम छोटे बच्चों की तरह नेचर है इसका, सबके साथ घुल मिल के इनका रहना, ये इनका स्वभाव यही है। और ये इसमें देखिए साइबेरियन हस्की में जो होता है, इसमें कई लोग कन्फ्यूज रहते हैं, एक साइबेरियन हस्की होता है, एक अलास्कन मतलब म्यूट होता है जिसकी साइज़ बड़ी होती है, वो डबल एक्सल साइज़ के डॉग ब्रीड है। और साइबेरियन हस्की की साइज़ बहुत बड़ी नहीं होती है और इसमें भी कई वेरिएंट में जैसे आते हैं, एक उली कोट होता है, एक डबल कोट होता है। तो ये डबल कोट में डॉग है जो कि उली कोट में काफ़ी बड़े बड़े बाल मिलेंगे, उसमें काफ़ी मेंटेनेंस करने पड़ते हैं, गर्मी में थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और हस्की को ये एक्चुअली माइनस टेम्परेचर में रहने वाले डॉग हैं, तो जिसके कारण इसको गर्मी लगती है, तो थोड़ा सा इनको मेंटेन करने के लिए आपको जो है ठंडी जगहों पर रखना पड़ता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना हो। बाकी ये फ्रेंडली तो इतने ज़्यादा हैं और ये बड़े नटखट स्वभाव के होते हैं। इनको कभी आप लेके टहलाइएगा तो ये आपके साथ बात करने की कोशिश करते हैं, ज़िद करते हैं, ड्रामेबाजी सबसे ज़्यादा इस ब्रीड में देखने को मिलेगी आपको, जो कि और किसी ब्रीड में नहीं देखने को मिलेगी जो है। तो आप अगर फैमिली में रखने के लिए सोचते हैं तो साइबेरियन हस्की बहुत अच्छी ब्रीड है जिसको आप फैमिली में रख सकते हैं और ले। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये मेरा इंग्लिश मैस्टिफ का मेल है जो कि ये मेरा स्टड मेल है, इस समय इंडिया चैम्पियन है। जैसा कि आप इसका हेड और रिंकल्स देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी ही क्यूट और काफ़ी ही खूबसूरत है। बाकी और आगे आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे तीन मैस्टिफ दिख रहे हैं जिसमें एक एप्रिकोट कलर की फ़ीमेल है और ये टैन कलर का जो है ये फ्रेंच मैस्टिफ का मेल है। बाकी सिल्वर कलर वाला जो बड़ा साइज़ दिख रहा है वो मेल है, मेरा स्टड मेल है। तो अब हम चलते हैं डाइट की तरफ, जिसमें हम आपको डाइट दिखाते हैं अपने डॉग की, मैं क्या बना के उनको खिलाता हूँ। तो ये हमारे जो है आग जल चुका है जिस पे बर्तन चढ़ चुका है, बाकी मैं इसमें आपको चिकन दिखाता हूँ कि। तो दोस्तों बर्तन हमारा रख दिया गया है, अब इसमें देखिए हमने चिकन की स्किन और लीवर, पथरी और कुछ पंजे और पानी और 2 चम्मच हल्दी डाल के इसको हम बॉयल कर रहे हैं, जिसको हम धीमी आंच पे काफ़ी टाइम तक बॉयल करते हैं। जब ये पूरी तरह से पक जाता है और इसमें से ढेर सारा जो है फैट वगैरह ऑयल की तरह निकल जाता है, फिर इसमें हम चावल या दलिया आप जो खिलाना चाहें वो ऐड करके फिर ठंडे होने के बाद आप अपने जो है पेट्स को सर्व करिए और खिलाइए। इसमें मैं दिखा रहा हूँ आपको कि देखिए इसको जो है पकाने के बाद इसमें कितने फैट निकलते हैं। तो ये देखिए लगभग 1/2 लीटर जो है ऑयल की तरह लिक्विड निकलता है, जो कि ये पूरा फैट होता है, जिससे अगर डॉग आपका वेट गेन नहीं कर रहा है तो उससे जो है वेट काफ़ी तेज़ी से गेन करता है। तो दोस्तों खाना पकाने में काफ़ी लेट हो गया जिसके कारण जो है रात हो चुकी है। तो अंदर फार्म के अंदर अभी मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, तो काफ़ी अंधेरा होने के कारण जो है कि इसमें जो है थोड़ा सा मैं कैमरे की सेटिंग चेंज नहीं कर पाया, जिसमें फ्लैक्चुएट कर रही है लाइट जो है, तो मैं जल्दबाजी में बना रहा हूँ। तो इसमें देखिए सारे पेट्स जो है अभी अंदर हैं और इनको अब टाइम हो गया है फीडिंग का, तो ये इनको भूख लगी है तो ये बेचैन है। तो अब मैं जा रहा हूँ इनको खाना खिलाने, तो बाकी की आगे की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बता के सारी चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। वीडियो आप देख के बताइएगा अगर आप वीडियो जैसा लगता है, प्लीज़ अगर कोई कमी हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस चीज़ को जो है अपडेट करूँगा थोड़ा सा, और सारी चीज़ें मैं वीडियो के माध्यम से और कुछ शेयर करूँगा आपके साथ। थैंक यू सो मच।